बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर डेटाबेस को क्रिएट करना सीखा था। आज के लेक्चर में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की एप्लीकेशन विंडो यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का इंटरफेस किस तरह से होता है, उसमें कौन कौन से बार्स अवेलेबल होते हैं और वो बार्स क्या क्या काम करते हैं, इसकी डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप इस स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद इस एक्सेस के प्रोग्राम पर क्लिक करेंगे। जैसे आप एक्सेस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एक्सेस का लोगो नजर आएगा और आपके सामने ये एक विंडो ओपन हो जाएगी। अब दोस्तों, आप जैसे ही एस्केप का बटन दबाएंगे तो ये जो आपके सामने एक विंडो ओपन हुई है, दैट इज कॉल्ड एमएस एक्सेस एप्लीकेशन विंडो या एमएस एक्सेस इंटरफेस। यहाँ पर दोस्तों यही वो विंडो है जहाँ पर आप अपने डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, फॉर्म्स को क्रिएट कर सकते हैं, क्यूरीज वगैरह टाइप कर सकते हैं और रिपोर्ट्स को जनरेट करवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी आप गौर करें तो क्योंकि अभी तक हमने कोई चीज क्रिएट नहीं करी है, कोई डेटाबेस क्रिएट नहीं किया है, तो ये तमाम जो ऑप्शंस हैं वो आपको नजर आ रहे हैं, बिल्कुल डीएक्टिवेट नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर आप गौर करें तो सबसे पहले जो आपको बार नजर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड टाइटल बार, और यहाँ पर आपको एक्सेस का बार नजर आ रहा है, एक्सेस का नेम लिखा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अभी तक हमने कोई फाइल सिलेक्ट नहीं की है। मिसाल के तौर पर हम यहाँ फाइल के बार पर जाते हैं और यहाँ से ब्लैंक डेटाबेस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप ब्लैंक डेटाबेस पर क्लिक करेंगे तो अब इस टाइटल बार के अंदर दोस्तों आपके डेटाबेस का नेम नजर आ रहा है, ये डेटाबेस कहाँ जाके स्टोर हुआ है उसकी लोकेशन नजर आ रही है। साथ के साथ दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ बटन नजर आ रहे हैं, These are called minimize button, जिसके जरिए आप अपने इस विंडो को मिनिमाइज कर सकते हैं। अगर आप इसको मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप इस विंडो को क्लोज करना चाहते हैं तो इस क्रॉस के बटन के थ्रू कर सकते हैं। और ये जो दोस्तों कहलाता है, ये कहलाता है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। यानी अगर दोस्तों आप अपनी इस टाइटल बार के ऊपर ही कुछ चीजों को ऑटोमेटिकली रखना चाहते हैं कि भाई मैं डायरेक्टली इन पर क्लिक करूँ मेरा काम हो जाए, मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप ईमेल का ऑप्शन लिख कर देते हैं, तो जैसे ही आप इसमें आपने ईमेल पर क्लिक किया तो डायरेक्टली इसका जो बटन है वो यहाँ पर आ गया। इस तरीके से आप प्रिंट का बटन भी यहाँ पर रख सकते हैं, स्पेलिंग का बटन भी रख सकते हैं, और साथ के साथ अगर आप इसको डिसलेक्ट कर देते हैं, यानी इस तरह से अगर आप स्पेलिंग को डिसलेक्ट कर देते हैं तो यहाँ से ये बटन चला जाएगा। तो ये जो बार है ये कहलाता है टाइटल बार, जिसके अंदर आपके डेटाबेस का नेम होता है, आपके डेटाबेस की लोकेशन रखी होती है और साथ के साथ ये कुछ बटन्स हैं ये लिखे हुए होते हैं। इसके नीचे दोस्तों आपको जो बार नजर आ रहा है ये कहलाता है मेन्यू बार, और इसके अंदर एमएस एक्सेस जितने भी मेन्यूज आपको प्रोवाइड करता है, जितने भी टूल्स आपको प्रोवाइड करता है वो आपको यहाँ नजर आएंगे। उस फाइल से, फाइल के मेन्यू से आप पहले भी आगा है कि जैसे ही आप फाइल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये न्यू, ओपन, ये आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे। न्यू के जरिए आप न्यू डेटाबेस को ओपन कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, और ओपन के जरिए आप एग्जिस्टिंग डेटाबेस को ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, ये जो आपको रिबन नजर आ रही है, होम की रिबन, यहाँ पर आपको कुछ बार नजर आ रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप ये व्यू पर क्लिक करें तो ये डेटा शीट व्यू है और ये डिजाइन व्यू है। तो डेटा शीट व्यू के जरिए आपको इस तरह का व्यू नजर आएगा टेबल का, और डिजाइन व्यू के जरिए इसका व्यू जो है आपको इस तरह से नजर आ जाएगा, ये आप देख सकते हैं। अब ये डेटा शीट व्यू क्या होता है, किस तरह से काम करता है, ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस आप इस चीज पर फोकस करें कि इस व्यूज के जरिए आप दो तरह के व्यू अपने टेबल को दो तरह से व्यू कर सकते हैं, डेटा शीट के उसमें भी देख सकते हैं और डिजाइन में भी देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, ये जो आपको बार नजर आ रहा है ये कहलाता है स्टैंडर्ड टूल बार। इसके अंदर आपको चार तरह के ऑप्शंस हमेशा मिलेंगे, कॉपी, पेस्ट, कट और प्रिंट वगैरह। इसके बाद दोस्तों, ये सॉर्ट एंड फिल्टर का है कि अगर आप अपने टेबल के अंदर मौजूद डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करवाना चाहते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कराना चाहते हैं, तो आप इस तरह से इन ऑप्शंस के थ्रू कर सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों, अगर आप अपने रिकॉर्ड्स को सेव करवाना चाहते हैं, अपने रिकॉर्ड्स के अंदर सम करवाना चाहते हैं, कोई स्पेलिंग वगैरह चेंज कराना चाहते हैं, तो वो आप इस तरह से इस रिकॉर्ड के टूल बार के थ्रू कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, ये फाइंड के बार के जरिए आप अपने रिकॉर्ड्स को फाइंड कर सकते हैं, उस फाइंड किए हुए रिकॉर्ड को रिप्लेस कर सकते हैं किसी और वर्ड से, तो उसके लिए आप इस फाइंड के टूल बार पर जाएंगे। दोस्तों, इन तमाम टूल बार्स को हम बहुत ही ज्यादा आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस आप ये याद रखिए कि होम के अंदर आपको कुछ फॉर्मेटिंग
ऑप्शंस प्रोवाइड किए जाते हैं एमएस एक्सेस की तरफ से। इस तरीके से ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग बार है, जिसके अंदर आप अगर टेबल के अंदर मौजूद अपने टेक्स्ट को इनहांस करना चाहते हैं, बोल्ड करना चाहते हैं, इटैलिक फॉर्म में करना चाहते हैं, उसका साइज बड़ा करना चाहते हैं, तो वो सब आप इस टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टूल बार के जरिए कर सकते हैं। इसके बाद जो आपको एक और बार नजर आ रहा है, एक और रिबन नजर आ रही है क्रिएट की, दोस्तों ये जो क्रिएट है ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है इस मेन्यू बार के अंदर, क्योंकि यहाँ पर आपको एमएस एक्सेस जो चार मेन ऑब्जेक्ट्स प्रोवाइड करता है, इस क्रिएट के बटन के जरिए आप उन चार ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं। और वो चार ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? टेबल्स को क्रिएट करना, क्वेरीज को क्रिएट करना, इस तरीके से फॉर्म्स को जनरेट करना और रिपोर्ट्स को जनरेट करना। तो यहाँ पर दोस्तों आप टेबल्स के बार के अंदर देख सकते हैं कि टेबल्स से रिलेटेड तमाम आपको ऑप्शन नजर आ रहे हैं, क्यूरीज के अंदर क्यूरी से रिलेटेड, इसी तरह से फॉर्म बार के अंदर, फॉर्म के टूल बार के अंदर आपको फॉर्म से रिलेटेड तमाम ऑप्शन नजर आ रहे हैं और यहीं से आप अपने फॉर्म्स को जनरेट कर सकते हैं। और रिपोर्ट्स के टूल बार के अंदर आपको रिपोर्ट से रिलेटेड सारे एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक और एलिमेंट है जो कि क्रिएट में ही आपको नजर आ रहा है, विच इज अ मैक्रोस। और मैक्रोस से आप पहले भी आ गए हैं कि मैक्रोस क्या होते हैं। जब आप एक ही रिपीटेड टास्क को बार बार करवाना चाहते हैं तो आप उसको एक दफा रिकॉर्ड कर लेते हैं और उसको आप एक मैक्रो का नाम दे देते हैं। अब आप जब भी वो टास्क परफॉर्म करवाना चाहते हैं तो आप जस्ट उस मैक्रो पर क्लिक करेंगे और ऑटोमेटिकली वो टास्क परफॉर्म हो जाएगा, यानी बार बार आपको उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर जो बताने का मेन पॉइंट था कि क्रिएट के इस मेन्यू बार के अंदर क्रिएट के बटन के जरिए आप चार तरह के मेन काम करवा सकते हैं, टेबल, क्यूरीज, फॉर्म्स और रिपोर्ट्स को जनरेट करवा सकते हैं। और अगले लेक्चर में हमारा तमाम फोकस यही होगा कि हम किस तरह से टेबल्स पर काम कर सकते हैं, क्यूरीज पर काम कर सकते हैं, फॉर्म्स को क्रिएट कर सकते हैं और रिपोर्ट्स को जनरेट करवा सकते हैं। इसके बाद एक्सटर्नल डाटा के अंदर आपने जो डेटाबेस को क्रिएट किया है, जो डेटाबेस बनाया है, आप उसको किस फाइल के फॉर्मेट में रखना चाहते हैं, आप उसको टेक्सचुअल फाइल के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं, एक्सएमएल फाइल के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं, पीडीएफ फाइल के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो वो भी ऑप्शंस आपको एमएस एक्सेस प्रोवाइड करता है। इसके बाद डेटाबेस टूल्स के अंदर दोस्तों आपको एडवांस फंक्शनलिटी अगर आप अपने डेटाबेस के अंदर क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे नॉर्मलाइजेशन करना चाहते हैं, रिलेशनशिप्स को क्रिएट करना चाहते हैं, टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप जनरेट करवाना चाहते हैं, तो वो भी आप इस डेटाबेस टूल्स के ऑप्शंस के नीचे तमाम एलिमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं इनके जरिए कर सकते हैं। और हेल्प के जरिए दोस्तों आप एमएस एक्सेस के को अगर कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, आप इनकी वेबसाइट से कुछ फीडबैक देना चाहते हैं, कोई ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो वो आप इस तरह से इस हेल्प के मेन्यू बटन के जरिए कर सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों फील्ड्स के अंदर, क्योंकि अभी हम टेबल पर मौजूद हैं तो टेबल पर जो मेन काम होता है हमारा, हमें फील्ड्स लिखनी होती हैं, तो आपके पास ही कई तरह के टेबल्स के ऑप्शन नजर आ रहे हैं। अगर हमने यहाँ पर फॉर्म ओपन किया हुआ था तो होता तो फॉर्म से रिलेटेड हमारे पास तमाम इन्फॉर्मेशन आती। अब दोस्तों इन बार्स को पढ़ने के बाद आपके पास एक लेफ्ट में एक और बार नजर आ रहा है जिसको नेविगेशन पेन कहा जाता है। और इस नेविगेशन पेन के अंदर जो भी डेटाबेस आपने ओपन किया हुआ होता है, उस डेटाबेस में जितनी भी चीजें होती हैं, जितने भी फॉर्म्स आपने क्रिएट किए होते हैं, जितने भी रिपोर्ट्स जनरेट की होती हैं, जितने भी टेबल्स जनरेट किए होते हैं, तो वो तमाम आपको यहाँ पर लाइन बाय लाइन नजर आएंगी। मिसाल के तौर पर मैं एक और टेबल क्रिएट कर देती हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस नेविगेशन पेन के अंदर ये टेबल जो है ये आपको इस नेविगेशन पेन के अंदर भी नजर आ रहा है। और आप डायरेक्टली भी इस पर क्लिक करके इस टेबल के ऊपर जा सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अभी मैंने टेबल नंबर 1 पर क्लिक किया है तो ये ओपन हो गया। इस तरीके से टेबल नंबर 2 पर क्लिक करूंगी तो डायरेक्टली इस नेविगेशन पेन के जरिए आप एक डेटाबेस में मौजूद किसी भी पार्ट पर जंप कर सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों नेविगेशन पेन के बाद आपको यहाँ बॉटम के अंदर एक और ग्रुप नजर आ रहा होगा जो कि कहलाता है नेविगेशन बटन्स का, और इसको स्टेटस बार भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर आप एक टेबल के अंदर जितने भी आपने रिकॉर्ड इंसर्ट किए होते हैं वो लिखे हुए नजर आ रहे होते हैं कि एक टेबल में कितने रिकॉर्ड्स हैं। अगर आप उन रिकॉर्ड्स को सर्च करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली उस रिकॉर्ड का नाम देंगे और ऑटोमेटिकली वो सर्च हो जाएगा। मिसाल के तौर पर दोस्तों यहाँ पर मैंने लिखा है ABC, ये मैं एक टेबल के अंदर रिकॉर्ड डाल रही हूँ। अब दोस्तों आप गौर करें तो क्योंकि मैं अभी फोर्थ रिकॉर्ड पर हूं, तो यहां पर ये आपको बता रहा है कि आपके इस टेबल के अंदर चार रिकॉर्ड हैं। और आप अगर किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को सर्च करना चाहते हैं तो मैंने सिर्फ उसकी आईडी लिखी है 2, और ऑटोमेटिकली आप ये देख सकते हैं कि ये जो कलर्ड लाइन है ये इस 2 पर आ गई है, यानी इसने इसको रिकॉर्ड नंबर 2 को हाईलाइट कर दिया। तो इस तरह से दोस्तों आप इस
बार के जरिए, नेविगेशन बटन्स के जरिए डायरेक्टली किसी भी रिकॉर्ड पर जंप कर सकते हैं। आप ये जान सकते हैं कि एक टेबल में कितने रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, ये तमाम चीजें आप कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी डेटाबेस की एप्लीकेशन विंडो, ये डेटाबेस एक्सेस का इंटरफेस और ये तमाम थे मेन्यूज। यहाँ पर हमारे लेक्चर का अख्ताम हुआ, इसमें हमने ये देखा कि एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के इंटरफेस में क्या क्या चीजें मौजूद होती हैं, क्या क्या मेन एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, वो किस तरह से वर्किंग करते हैं, ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।